हाय फ्रेंड्स, वी टेन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल खीर, जो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। और इसकी का नाम है मखाना खीर। जी हाँ, आपने सही सुना, मखाना कैल्शियम का भंडार है। और बादाम, मूंगफली, मैंने 5 ड्राई फ्रूट से ये खीर बनाई है और बहुत ही हेल्दी है। नवरात्रि में 9 दिन काफ़ी सारे लोग जो है सेंधा नमक से पल्हारी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग फल और इस खीर को बनाकर खाते हैं। तो मेरे बताए हुए तरीके से इस खीर को जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगी, आपको कमजोरी वीकनेस बिल्कुल नहीं होने देगी। ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो आप इस खीर को जरूर बनाइएगा। और वीडियो को ये पूरा एंड तक बनी रहिए, तभी आप जान पाइएगा कि इस खीर को कैसे बनाना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस मखाना खीर को बनाकर खाइए नवरात्र में 9 दिन। आपको काफ़ी एनर्जी महसूस होगी, आपको कमजोरी या वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनती है। तो इस खीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मखाना लिया है, 100 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिन खजूर, 25 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम मूंगफली। अब इन सारे ड्राई फ्रूट को सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, अब इसमें बादाम को डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का चलाते रहिएगा, बिना घी के भून रहे हैं, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। इस तरह से इसे ड्राई होने तक अच्छे से भून लीजिए। इसमें हल्की हल्की पटपट की आवाज़ आने लगती है जब ये रोस्ट होता है। तो जब बादाम हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसी में डाल देंगे मखाना। मखाना बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है, ज़्यादा रोस्ट करना नहीं होता है। एक से 2 मिनट में मखाना बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। रोस्ट होने के बाद आप इसी में बादाम को भी, मूँगफली को, दोनों को भून लीजिए। सारे ड्राई को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसे मिक्सी जार में हल्का दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा हमें महीन बारीक में नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है। तो ये रोस्ट हो चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं। किशमिश और पिन खजूर को हमें ड्राई यानी कि रोस्ट नहीं करना है, इसे हम डायरेक्ट इसी तरह से दूध में ऐड करेंगे। और जब तक हमारा ड्राई फ्रूट ठंडा हो रहा है, तब तक हम इधर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। हमें इसे गाढ़ा करना है जिससे कि मखाना खीर बहुत ही अच्छा बने। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ा होगा, तब तक हम इसे चलाते रहते हैं। फ्रेंड्स, और ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा आपको बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी क्रंची, थोड़ी सॉफ्ट, तो बहुत ही अच्छा खीर बन जाता है। तो मेरा दूध उबलते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये 1.5 लीटर दूध हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मखाना को डाल दिया है, और उसके बाद बादाम को डालकर, जो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, पिन खजूर और किशमिश सभी चीज़ों को डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सारे ड्राई फ्रूट दूध को ऑब्जर्व कर लेगा, बस इतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पका लीजिएगा। तो हम इसे अब 2 मिनट तक और पकाएंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, बहुत ही इसमें कलर भी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे हमने केसर को भिंगो के रखा था 8 से 10 धागे, तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, हल्का येलो कलर का हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा खीर लग रहा है, तो इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट में ये खीर बन जाता है, और नवरात्र के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसे खाने से आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी। नवरात्र में आप रोज़ बनाकर खा सकते हो, ये काफ़ी हेल्दी होता है। ड्राई फ्रूट, अगर आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वही डालिए, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही डालना है, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हम 2 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस खीर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और एक चीज़ मैंने भूल गई थी, वो है इलायची पाउडर। फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है, और इलायची का स्वाद जिसको पसंद नहीं है वो नहीं भी डालें, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इलायची का फ्लेवर, तो मैं हमेशा डालती हूँ खीर में। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया खीर बना है। तो इस खीर को आप नवरात्र में जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। जो लोग नवरात्र करते होंगे उन्हें भी इस खीर को बनाने का आइडिया मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया खीर बहुत ही हेल्दी है, तो आप इस हेल्दी खीर को नवरात्र में रोज़ बनाइए और रोज़ाना खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आपको एनर्जी काफ़ी देगी, वीकनेस बिल्कुल नहीं होने देगी। तो आप इस खीर को जरूर बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।